नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है, महत्वपूर्ण विकास योजनाएं रुकी हुई है, साथ ही शहर की परेशानियों से पूरी जनता त्रस्त है, चारों ओर से पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है। उन्होंने इस दौरान मंदिर माफी की जमीन पर कब्जे का मामला भी उठाया। उन्होंने इस बारे में ताजपुर रोड पर एक भूमि का उदाहरण भी दिया, जहां भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने जानकारी दी कि खसरा नंबर 120 को 90V करवा रखा है, जिसका रास्ता मंदिर माफी की जमीन से होकर निकल रहा है, तथा आसपास की मंदिर माफी के क्षेत्र में प्लाट कटे हुए हैं, मकानों का निर्माण चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सालोदा क्षेत्र में रीको के समीप गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इन सभी कब्जों की जमीनों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने क्या कहा। सरकार का पैसा उसमें से ना दुखी हो, सभी लोग नहीं अगर मान लो उसमें किसी प्रकार की कमी खामी है, एग्रीमेंट में कमी खामी रही है, किसी ने करी है, तो जांच कराओ। अगर मान लो उस पैसे का तो दुखी होगा किसी स्तर पर, तो उसमें व्यवस्था एडिशनल है, उस कमेटी में शामिल है, तो जो लोग साइन किए होंगे पकड़ लो, वो लोग कर देंगे। दूसरी बार छह महीने तक तो कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, केवल आठ कैमरे चालू है और आठ कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। और किसको ऊपर नालों के ऊपर तो इतना लिखा है जो मतलब है ना, कोई कहने वाला नहीं। बारा जिले के छिपाबड़ौद कस्बे के वार्ड 18 में रहने वाली जरूरतमंद गरीब परिवार को प्रशासन की अनदेखी के कारण नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। परिवार की स्थिति कमजोर होने और मकान की दीवारें गिर जाने के बाद भी प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। रानी, तो क्या मामला है आपका? हमारा मकान ये गिर चुका। तो क्या है आपको अभी तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली? 2001 से लेकर अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला। तो क्या ग्राम पंचायत में इसकी कोई आपने एप्लीकेशन वगैरह दी? हाँ, फॉर्म भरे थे, 7 फॉर्म भर चुके अब तक 2001 से लेके 20 तक। तो कितनी बार नाम आ चुका है आपका? 2-3 बार नाम तो आ गया, लेकिन कोई मतलब सुनवाई नहीं। अच्छा, तो क्या सरपंच से बात की थी इस मामले में? सरपंच यूँ कहता है कि आ जाएगा। तो कितने बच्चे आप? 5। और कमाने वाले? 1। तो क्या? अजमेर जिले में श्रीराम सेना हिंदुस्तान युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी द्वारा महिला थाना अलवर गेट अजमेर में कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले पदाधिकारी, पुलिस थानाधिकारी, पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने श्रीमती विद्या मीणा थानाधिकारी सहित 25 महिला पुलिसकर्मियों को माला व माता की चुनरी व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। देवीलाल सोनी ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी ने जिन्होंने अपने घरों पर छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपनी सेवाएं दी, उन सभी पुलिसकर्मियों को श्रीराम सेना हिंदुस्तान के पदाधिकारियों ने तहे दिल से धन्यवाद दिया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। माता की चोरी आशीर्वाद अम्बे का। आपने क्या किया आज? महिला थाने में महिला का पूरे पदाधिकारी को माला पहनाकर सम्मान किया। जो कोरोना की टाइम पर इन्होंने मां शक्ति ने जो ड्यूटी निभाई और व्यवस्था रखी, बहुत हमें अच्छी लगी। आज जो महिला, कहीं महिलाओं के छोटे बच्चे भी हैं तो भी ये ड्यूटी टाइम से निभाते थे। अजमेर के अंदर में काफ़ी दुकानें पानी चाय नाश्ता बंद था, तो भी इन्होंने दिल से ड्यूटी करी। आज मां शक्ति को हमने माता की चुन्नी और सर्टिफिकेट और माला पहनाकर सम्मान किया। आज अजमेर में इसी तरह महिला मां शक्ति जो काम किए, इन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ मीडिया प्रभारी से।